सीकर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद अब शहर की चारों दिशाओं में चार प्रवेश द्वार बनवाएगी। ये द्वार जयपुर रोड, नवलगढ़ रोड, फतेहपुर रोड व सांवली रोड पर बनेंगे, जिन पर 80 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें से जयपुर रोड पर बनने वाले प्रवेश द्वार का शिलान्यास आज विधायक राजेंद्र पारिक व नगर परिषद सभापति जीवन खान ने किया। उन्होंने बताया कि जयपुर रोड के प्रवेश द्वार का नाम राजीव, सांवली रोड पर बनने वाले द्वार का नाम भीमराव अम्बेडकर, नवलगढ़ रोड पर प्रस्तावित गेट का नाम किसान और फतेहपुर रोड पर बनने वाले द्वार का नाम शेखावाटी प्रवेश द्वार रखा जाएगा। राजीव गांधी द्वार का निर्माण कर रहे हैं और रविवार को जो है वहाँ पे जो अपना मुस्कान के सामने जो सर्किल है, जो केला सर्किल, उसका जो है वो शिलान्यास करेंगे। इसी तरह से जो है सावड़ी रोड पे, क्योंकि मिनी सेक्रेटरी आ रहा है, तो मिनी सेक्रेटरी आ रहा है तो सारे संवैधानिक कार्यक्रम जो है वहीं से संचालित होंगे। तो वहाँ पे एक अम्बेडकर द्वार होगा, नवलगढ़ रोड पे जो है किसान द्वार होगा और फतेहपुर रोड जो है उस पर शेखावाटी द्वार। फतेहपुर में 6 अगस्त को बड़ी मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रथम आने वाले अभ्यर्थी को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बुलेट बाइक पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर आज सीकर में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें आयोजक महिपाल महला ने मैराथन की रूपरेखा रखी। उसके लिए हमने फर्स्ट इनाम जो बुलेट की घोषणा की थी, आज ऑफिशियली हमने बुलेट प्रेस के सामने रखी है और प्रदेश की हजारों हजार नौजवान बिरादरी इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही है। और बड़े विश्वास के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ऐसी मैराथन प्रदेश में बहुत कम देखने को मिली होंगी, विशेष रूप से शेखावाटी में तो ऐसी मैराथन कभी हुई नहीं होगी। मैराथन फतेहपुर में होगी, पर पूरी शेखावाटी का नाम हिंदुस्तान में इस बात से गर्व से लिया जाएगा कि शेखावाटी के लोगों ने मिलकर बहुत बेहतरीन मैराथन का आयोजन करवाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? नौजवानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, नौजवानों को यूनाइट करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और नशे से दूर लेके जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीकर यात्रा के दौरान सराहनीय कार्य करने पर गंगानगर की कांस्टेबल प्रियंका को सीकर एसपी ने 1100 रुपए व प्रशंसा पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किया है। प्रियंका ने गोकुलपुरा के पास यातायात जाम होने पर बारिश में भीगते हुए काम किया था और अकेली पूरी यातायात व्यवस्था को संभाला। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने प्रियंका को यह सम्मान प्रदान किया है। बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील से 6 दुकानों में डाका डालकर फरार हुए सीकर के अजीतगढ़ के सावलपुरा शेखावतान निवासी बदमाश माखनलाल उर्फ मखनिया और झुंझुनू के विक्रम गुर्जर पर जिला पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। गौरतलब है कि आरोपी रामगढ़ शेखावाटी में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद फरार हो गए थे। घटना में इनके साथी की मौत भी हो गई थी।